हाँ जी, पिछले 5 महीने से पक्षी की लड़ाई का मामला चल रहा है। कई बार पंचायतों का दौर हुआ, बताया गया है, सोशल मीडिया पर काफी छाई हुई है। आज पंचायत ने बहुत सौहार्दपूर्ण माहौल में फैसला किया कि पहली बात तो जिसने भी इस मामले में आकर गलत लाइव वीडियो दिखाई है और जिसने भी इस मामले को तोड़ मोड़ के प्रस्तुत किया है उसके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। वो सामाजिक कार्रवाई भी होगी, कानूनी भी होगी। दूसरा, जो माँ बाप है उनके साथ हमारा बड़ा सौहार्दपूर्ण मिलन कराया है और हम पहले भी बच्चों अकेले पर बात नहीं करना चाहते थे, आज भी नहीं करना चाहते। सब बच्चे अपने पढ़े, आगे बढ़े, यही सबका लक्ष्य होता है। तो एक मीटिंग जो है कुछ दिन के बाद, आज डेट फिक्स करेंगे वो अभी 5 मिनट में, उस मीटिंग में जो है ना, हमारी तरफ से और उनकी तरफ से जो भी लिखित जो एफिडेविट का मामला है, जो कार्रवाई है वो करवाई जाएगी और जैसा पंचायत डायरेक्शन देगी वैसा हम करेंगे। सुनने में आया कि केस वापस लेने की बात हुई। देखो जी, केस वापस लेना ये एक टेक्निकल इशू है, ये एक न्यायिक व्यवस्था का इशू, क्योंकि FIR है और कानून व्यवस्था का जिस तरह से भी प्रोसेस है उसमें जो हमारा पॉजिटिव पार्टिसिपेशन है वही कर सकते हैं। दूसरी बात, जो सवाल है स्कूल का और सवाल है बच्चों का और सवाल है पंचायत की पगड़ी उछालने का, तो पंचायत की पगड़ी जो है वो उछालने का जो इल्जाम मेरे पे लगाया गया था वो पंचायत ने आज क्लियर कर दिया। आप पंचायत से पूछ लेना, मेरे पास पहली बार कोई पंचायत आई और मैंने उनका सम्मान किया है। दूसरी तीसरी बात, मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया गया था, पूरी पंचायत के बीच में भी ये बात उठी कि मैंने 307 इन बच्चों के ऊपर लगवा दी, आप चारों धाराएं देख सकते हो। आपने बच्चों की बात ठीक की, 4 बच्चे के, इनमें एक लड़की का नाम भी सामने आया है। जी, मेरे को ऐसा सुनने में आया किसी झूठे आदमी ने ऐसा फेसबुक पे बोल लिया है लाइव आके, तो उसकी झूठ ये कागज बयान करता है। साक्ष को आस नहीं होती, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। प्रत्यक्ष में आपके सामने FIR है, इसमें एक भी लड़की हो तो आप ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल करके बता दो, ये सब निराधार है, झूठ है, बकवास है, वही आत बात है। मैं एक जिम्मेदार पद पे होने के साथ साथ एक जिम्मेदार बाप भी हूँ और समाज में एक कलाकार की हैसियत से काम कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इसलिए चुप था कि मुझे लगा है कि उन्हें बोला एक शेर है, बोला मैं तो इस वास्ते चुप हूँ कि तमाशा ना बने, तू समझता है कि तुझे मुझे तुझसे गिना कुछ भी नहीं। तो इसलिए अभी देखो आपने आवाजें भी आ रही होंगी, पंचायत आए सारे आपस में बकवास भी लग रहे हैं, तो पंचायत में बहुत जो फैसला हो जाता है सामाजिक भावना से तो वो सबकी खुशी का आधार बनता है, तो बहुत अच्छा फैसला हुआ है और उस पर सब लोग फैसले पे राजी हुए। बच्चों ने ये भी माना है, आप बच्चों से पूछ सकते हो कि मेरा उनसे आज तक कोई मुलाकात ही ऐसी नहीं है कि मैं उन्हें पिटवाऊंगा, तो बहुत दूर की बात है। सोशल मीडिया पर जिस तरह मामले में छिकारा का क्या होता है पता नहीं जी, वो आप पूछो। मैं किसी के बारे में कोई बयानबाजी करने से हमेशा बचता हूँ। उन्होंने तो आपके बारे में काफी कुछ बोला है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो बहुत सही बात, जो जो मेरे बारे में बातें कही गई हैं उन सबके साक्ष्य मैंने प्रस्तुत कर दिए। जोगिंदर दैया, ग्राम पंचायत रोणा से हमारे सभी मौजूद व्यक्ति पंचायत के रूप में यहाँ आज जो पंचायत हुई है जी, क्या फैसला हुआ? कई बार पंचायत हुई है, सोशल मीडिया पर भी ये झगड़ा काफी चला हुआ है, आज जो पंचायत हुई क्या मामला? देखिए, कई बार पंचायत नहीं हुई है, 3 तारीख को पंचायत के सामने अभिभावक गण ने अपनी बात रखी और पंचायत ने निर्णय लेकर यहाँ फोगाट साहब से इनका पक्ष जाना। पक्ष जानने के बाद अभिभावक फोगाट साहब पंचायत की उपस्थिति में पंचायत ने मामले को गंभीरता पूर्वक सुना और ये निर्णय लिया कि बच्चों की पढ़ाई का सवाल है और न्यायालय में इनका मामला चला गया। पहला फोगाट के बच्चे को जो चोट लगी थी उस मामले में जो मामला दर्ज हुआ है उसको वापस लिया जाएगा। बच्चे स्कूल में प्रिंसिपल साहब जो यहाँ आए थे उनसे बात हुई है, बच्चे स्कूल में सप्ताह में 1-2 दिन जाएंगे, उनका आचरण देखकर अगला फैसला स्कूल प्रशासन लेगा। तो जो ये फैसला हुआ क्या स्कूल प्रशासन ने भी मान्य किया है और पेरेंट्स ने भी मान्य किया है? देखिए, यहाँ अभिभावक बच्चे स्कूल प्रशासन और फोगाट साहब यहाँ उपस्थित थे पंचायत के बीच में और सभी को पंचायत का फैसला मान्य है और जो फैसला हुआ है बड़े
अच्छे माहौल में सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातें हुई हैं, सभी को पंचायत का फैसला मंजूर है। अगर पेरेंट्स या स्कूल, हाँ जी, पेरेंट्स या स्कूल या फॉरवर्ड साहब कोई भी अगर पंचायत के फैसले को मानने से मना करता है तो उसके बारे में क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। फोगाट साहब भी पंचायती परंपरा को मानने वाले हैं, अभिभावक भी पंचायतों को बातों को मानते हैं, पंचायत कभी भी कोई ऐसा फैसला नहीं करती जो सर्वमान्य नहीं होता। क्या नाम है? मोनिका। मोनिका जी, अपना बच्चा कौन सी क्लास में? 12th में। और आप पीछे भी काफी सोशल मीडिया पे छाई रही हो इस मुद्दे में, कई बार पंचायतें हुई हैं, स्कूल के गेट पे भी जो धरना वगैरह हुआ है, तो आज जो फिर पंचायत हुई है क्या फैसला हुआ? आज रोना गांव की जो पंचायत आई हुई है तो हम दोनों पक्षों के यहाँ पे पेरेंट्स भी और उधर से गजेंद्र जो फोगाट थे वो भी यहाँ पे आए हुए थे, आपस में हमारा जो मतभेद था उसका फैसला गांव की जो रोना पंचायत उन्होंने करवा दिया, और भाई रोना की जो गांव ने पंचायत ने जो फैसला किया उसको हमने मान्य स्वीकार किया। उसके बारे में पंचायत ने यही कहा है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए बच्चे नाबालिग थे उनके ऊपर मुकदमा पहली बार पे होना नहीं चाहिए था, और जो हो गया था उसको रद्द करवाने के लिए बोला गया। हाँ जी, उन्होंने बोल दिया कि भी मैं अपना केस वापस ले लूंगा। जिस तरह सोशल मीडिया पे बातें चल रही थी, कभी इधर के आरोप लग रहे थे कभी उधर के आरोप लग रहे थे, सर इन बातों में पता नहीं क्या क्या बातें थी, वो इन बातों में हम दोबारा उन चीजों को रिपीट नहीं करना चाहते। जितेंद्र राम। राणा साहब, अपना कौन सा बच्चा है? कौन सा बच्चा और क्या मामला था? तो पंचायत आई है, क्या फैसला? जैसा कि सबको पता है जी डी गोविंद स्कूल में बच्चों का झगड़ा हो गया था, जिस कारण भाई हम भाई इधर उधर घूमे जैसे भी जहाँ भी गए भाई आश्वासन में लिया, लेकिन कोई वो नहीं हुआ। और उसके बाद हम रोना गांव की पंचायत के पास गए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि भाई हम फोगाट साहब से बात करेंगे और सारा मामले का निपटारा जल्दी हो जाएगा। उससे पहले भी एक बार पहले भी मिले थे, और अब दोबारा जैसे पंचायत आई है फोगाट साहब ने बढ़िया रिस्पॉन्स दिया है, जैसा कि हम बता चुके हैं पंचायत ने बता दिया है, और जैसा कि उन्होंने बोल दिया कि अब हम सारा बैठ के आराम से सुलझा लेंगे। तो अब क्या फैसला हुआ? अब फैसला ये हुआ है कि जो बच्चे थे कुछ 10वीं के बच्चे थे, कुछ 12वीं के बच्चे थे, 12वीं के बच्चों का बोल दिया कि स्कूल में जैसा भी होगा वो चले जाएंगे, और 10वीं के बच्चे थे वो अपने एडमिशन ले लिया उन्होंने और कहीं पे, तो फैसला यही हुआ कि बच्चे आने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, केस को उन्होंने बोला है, आश्वासन दिया है कि जैसा भी है पंचायत के सामने भी और पेरेंट्स के सामने आश्वासन दिया है कि केस मैं वापस ले लूंगा, बहुत ही अच्छा वो किया है, हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं। एक लड़की का नाम भी सामने आता कि एक लड़की का भी रोल है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कंप्लेंट में कुछ नहीं है। क्या नाम सर? संदीप कुमार। संदीप जी, अपना बच्चा कौन सी कक्षा का? 12th का। कितनी बार पहले पंचायतों का दौर हुआ है लेकिन आज फिर पंचायत हुई है, क्या फैसला हुआ? देखिए, पंचायतों का दौर हम कई बार फोगाट साहब से मिले और फिर इधर उधर कई जगह हम मिले हैं, उसका कोई नतीजा नहीं निकला था, तो अब हम रोने की पंचायत के अपने शरण में हम गए थे और दो बार पंचायत हुए और दोनों आपसी सहमति से बहुत अच्छा मतलब फैसला हुआ बच्चों के हक के लिए। क्या फैसला हुआ? कि भाई बच्चे अभी स्कूल में भी जाएंगे, वो अभी पहले एक संडे को जाएंगे, उसके बाद स्कूल प्रशासन देखेगा कि बच्चों का व्यवहार कैसा है, कि आपस में फिर से ना लड़ाई झगड़ा करें, बच्चे हैं ऐसी कोई नहीं, अच्छी तरह से फैसला हुआ बच्चे पढ़ेंगे। कोर्ट केस का भी मामला था, क्या गजेंद्र फोगाट ने कोई आश्वासन दिया है? हाँ, हमारा बच्चों की तरफ से वो फैसला उन्होंने कहा है कि हम एक पंचायत में फैसला हुआ, एक कोर्ट केस की भी बात थी, तो गजेंद्र फोगाट ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने अपना कोर्ट से बच्चों का जो भविष्य को देखते हुए अपना फैसला वापस लेने की बात कही है कि मैं अपना केस उठा लूँगा, ये पंचायत द्वारा फैसला हुआ है और उन्होंने ये बात मान भी ली है। एक लड़की का मामला भी सामने आया था कि लड़की पे भी मुकदमा है, 307 की FIR, ऐसा कुछ क्या है? उसके बारे में मैं कुछ बता नहीं सकता आपको क्योंकि मेरे को उसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है? धारा ऐसे तो हमें याद नहीं, कई धारा इन बच्चों पे लगाई गई थी जो कि स्कूल के बच्चों के हिसाब से धारा नहीं लगाई जानी चाहिए, पहली बात तो केस ही नहीं होना चाहिए बच्चों पर। तो स्कूल प्रशासन का क्या कहना है? स्कूल प्रशासन ने अभी स्कूल में आने की अनुमति दी है और अभी इनकी धीरे धीरे पढ़ाई चलेगी।
तो सप्ताह में एक बार दो बार अभी सप्ताह में एक बार जाएंगे, उसके बाद धीरे धीरे स्कूल प्रशासन इनको हो सकता है रेगुलर ही बुलाएगा। तो क्या आप इस फैसले से खुश हैं? हाँ, पंचायत ने जो फैसला मिला हमें दोनों पक्षों को बैठा के हमारे अंदर जो भी मतभेद थे वो दूर किए और पंचायत ने अपने तरीके से अच्छा फैसला लिया।